आज शुरू करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। जो सवाल हमारे इस फॉर्म के होंगे इनको कर तो हम और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले तरीका लगे, और भी तरीके हैं, लेकिन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का तरीका तो छोटा है। यहाँ पर देखिए क्या है कि दो से ज़्यादा, देखो मैंने दो नहीं लिखी, दो से ज़्यादा यानी तीन या उससे भी ज़्यादा अगर एक्स के फंक्शन इंटू में है, प्रोडक्ट में है, जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, देखो चार इंटू में हो गए। आप कर इसको यू इंटू वी से भी सकते हो, इस पूरे को यू मान लो और इस पूरे को वी मान लो, फिर जब इसका डिफ्रेंसिएशन कहीं आएगा तो फिर इसको यू वी से करना पड़ेगा, लंबा प्रोसेस होगा। हम लोग क्या करेंगे, अगर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर रहे तो इस सवाल को छोटा कर सकते, अभी बताएंगे करना कैसे, पहचान मैंने बताई। जब दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का पता लगाना। तनिष्क बेटा आवाज़ आ गया आपको, दूसरा अगर हमारे पास ऐसे सवाल हो जैसे अभी तक आप ये पढ़ते आए एक्स स्क्वायर, तो पावर में क्या एक नंबर है, अगर पावर में भी x वाला टर्म हो, जैसे कि x टू द पावर साइन x, क्लियर, जैसे कि साइन x टू द पावर x स्क्वायर, मतलब फंक्शन भी x का और जो उसके ऊपर पावर लगी है वो भी x, क्लियर हो गया। तो ये जो दो टाइप के सवाल हैं, जैसे ही आपको लिखेंगे फौरन आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगाना। जैसे हमारे पास सवाल आ गया y इक्वल टू x टू द पावर x को डिफरेंशिएट करिए, तो आप इसको ऐसे में डिफरेंशिएट कर देना कि ये पावर आगे कर लिया हमने और इसकी पावर हमने क्या कर दी, पावर आगे आ गया x इंटू x और एक पावर इसकी कम कर दी, ऐसे नहीं होगा। वो तो तब होता है जब x टू द पावर n होता है, n इज अ नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा x का फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे करते हैं, अब ये किस टाइप का, मैंने आपको दो टाइप के भी दिखाया ना, फर्स्ट और सेकंड, किस टाइप का है, fx की पावर है। क्या करेंगे पहला स्टेप इन सवालों में, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे, तो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, और ये नेचुरल लॉग है यानी इसका बेस कितना है, e है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू, log में अगर पावर लगी होती है तो पावर कहाँ आ जाती है, अगर log में ऐसे पावर लगी तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, यहाँ आ जाती है, यानी x log x हो जाएगी, सही है, इंटू में हो जाएगी, किसमें बेटा। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, अब हम इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो log y का, log x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x होता है, log y का डिफरेंशिएशन वन अपॉन y है ना। चलो अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो d by dx of log y is equal to d by dx of x into log x, ठीक, log y का डिफरेंशिएशन करते हैं, वन अपॉन y into डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, यानी y का डिफरेंशिएशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx, y अगर नहीं आ जाएगा तो पहले आप नॉर्मल तरीके से करेंगे, जैसे y x का करते हैं तो log y का क्या हो जाएगा, 1 upon y, और फिर d by dx ऑफ अंदर वाला यानी कि y का डिफरेंशिएशन, तो y का डिफरेंशिएशन इज dy by dx इज इक्वल टू, अब इसको u into v से कर दो तो ये हो जाएगा log x into डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस x into d by dx ऑफ log, सही है ना। तो ये हो जाएगा 1 upon y dy by dx is equal to log x into differentiation of x, कितना होता है 1, प्लस x into log x का differentiation, ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा ये 1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो इस x से होगा या इस पूरे से होगा, है ना, ऐसा मत कर देना जैसे अगर यहाँ 2 होता तो 2x का, तो 2 आगे चला जाता है, यहाँ पर अभी केवल log x प्लस क्या आ गया 1 अपॉन y dy by dx, निकालना क्या है dy by dx, तो dy by dx बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा y इंटू
और y की वैल्यू क्या थी, बस अगले स्टेप में y की जगह x की पावर x रख देंगे, मैं यही रख दे रहा हूँ, आप अगले स्टेप में रख लीजिएगा, ये आपका आंसर होगा, समझ लें। और ये आपको फॉर्मूले की तरह भी रटाऊंगा, नोट करिए, देखो यहाँ कहीं लाइट पड़ रही होगी, वहाँ मैं लिखूँगा नहीं। चलो तो सबसे पहले लॉग ले लें, तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द पावर साइन एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वन अपॉन वाई डी यू, कर लो आगे कर लो, चलो आगे कर लेते हैं, साइन एक्स को आगे कर लीजिए, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है ना। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें यू इंटू वी लगा दो, तो अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ देखना, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, आया नहीं आया, नोट मत करो यार, फिर साथ साथ टाइम देते हैं ना नोट करने के लिए, बाद में नोट किया करो, वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी तो वाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, और वाई की फिर यही वैल्यू रख देना लास्ट में, एक्स टू द्वारा साइन एक्स, बस खत्म। देखिए इसमें हमारे पास फिर से बता दे रहा हूँ, एक दो तीन फंक्शन है, दो से ज़्यादा फंक्शन किसी सवाल में दिखेंगे तो उसमें जो है यू अपॉन वी या यू इंटू वी नहीं लगाएंगे, लॉगरिथमिक वाला डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहला स्टेप दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो लॉग वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग इस पूरे का। अब बच्चों जो क्लास 9 10th में लॉग पढ़ा है ना उसका थोड़ा यूज होगा। अच्छा रूट का मतलब कितनी पावर होता है, जैसे इसकी बार 5 बाई 3 है, रूट हटाऊंगा तो क्या पावर लगाऊंगा, और ये जो लॉग लगाए ना बच्चों ये इस पूरे पे लगाए, ठीक है ना, क्या हो गया पेन की कैप बाद में ढूंढ लेना, ये सवाल एग्जाम में 5 नंबर का आता है, पेन की कैप 0 नंबर की है, गधे कहीं अभी ढूंढेंगे कैप गिर गई तो। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर को क्या लिख सकते हैं, 1/2, ये तो पावर है ही है, 3x प्लस 7 टू द पावर 5/3, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 2/3 भी पावर में है ही है, ये सब लॉग है। तुम लोग जानते हो कि लॉग के अंदर अगर m इंटू n होता है तो वो हो जाता है log m प्लस log n, log के कुछ फॉर्मूले हैं मैं लिख दे रहा हूँ अगर आप लोग भूल गए होंगे तो, वो फॉर्मूले हैं ये log m इंटू n, ये बराबर क्या होता है log m प्लस log n, और log m अपॉन n क्या होता है log m माइनस लॉग एन। तो होता क्या है कि अगर इंटू की चीज़ें तो वो प्लस में आ जाती है और डिवीजन वाली चीज़ें तो वो माइनस में आ जाती है, यहाँ पर भी यही करूँगा, ये इंटू के है ना ये वाले तो ये प्लस में आ जाएंगे और नीचे वाला डिवीजन का है तो वो माइनस में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट अगर लिखें तो इसका मतलब होगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 1/2 प्लस, क्योंकि इंटू में है, लॉग 3x प्लस 7 टू द पावर 5/3 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 2/3, और इधर क्या चल रहा है हमारा बच्चों, लॉग वाई, ये इधर चल रहा है, छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ लॉग वाई, इतना समझ में आया नहीं आया, इतना नोट कर लो पहले। देखिए आगे, अब लॉग में हम लोग जानते हैं अगर पावर लगी होती है तो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, तो लॉग वाई इज इक्वल टू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5/3 आगे आ जाएगा लॉग 3x प्लस 7 माइनस 2/3 आगे आ जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3, कोई डाउट इसमें किसी को, ठीक, ये ध्यान से सीख लो, 4-5 सवालों में ये पूरा टॉपिक ही खत्म हो जाता है, सब सवाल एक जैसे, ठीक। अब देखो ज़रा
अब डिफरेंशिएशन कर देते हैं, जितना लॉग लगा सकते थे लगा लिया, इससे ज़्यादा तो और कर नहीं सकते। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका अलग और इसका अलग करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस वालों में तो ऐसे ही करते हैं ना। जैसे मान लो x प्लस साइन x लिखा होता तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, x का 1 कर देते, साइन x का cos x कर देते, अलग अलग कर देते, तो वही करना है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ऐसे रहेंगे। log का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो log के अंदर कुछ भी है 1 अपॉन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला, है ना। अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस 5 बाई 3, इसका क्या होगा 1 अपॉन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंदर वाला 3, 3x का 3 होगा, 7 का तो 0 होगा, माइनस 2 बाई 3 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा इंटू 2x। क्लियर हुआ इतना नहीं? ठीक, और इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करें तो 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ, तो क्या बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल हुआ, 5 अपॉन 3x प्लस 7 माइनस यहाँ कुछ कैंसिल नहीं हुआ, ये हो गया 4x अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ये काहे की वैल्यू है बच्चों, 1 अपॉन y dy by dx की, फिर y इधर ले जाना और वो y की पूरी वैल्यू ब्रैकेट के बाहर लिख देना, पूरी पूरी वैल्यू, अंदर मल्टीप्लाई मत करना उसको, एज इट इज लिख देना। क्लियर है इतना? तनिष्क बेटा आप बताइए, नोट कर लीजिए। चलिए ये वाला सवाल देखिए, इसमें मैंने क्या किया, पहले दोनों साइड लॉग ले लिया और इस लॉग का बेस क्या होता है, ई होता है। तो अभी तक तो मैं ई नहीं लिखता था पिछले सवाल में, अभी इसलिए लिखते हैं क्योंकि इस सवाल में पहले से ई दिया हुआ है। एक फॉर्मूला है एक्चुअली लॉग बेस ए और यहाँ पर जो नंबर है वो भी ए, तो ये क्या हो जाता है, अगर इसकी कोई पावर लगी होती तो पावर आगे आ जाती, तो x log बेस ए a, तो ये क्वांटिटी हो जाती है, आंसर क्या हो जाता x। तो इसका मतलब अगर बेस और ये क्वांटिटी सेम हो तो जो पावर होती है दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर भी बेस और ये क्वांटिटी सेम है तो जो पावर होगी वो आ जाएगा यहाँ पर केवल x प्लस y, समझिए ना। एक्चुअली x प्लस y आगे आ गया और यहाँ पर हो गया log बेस e और ये, तो ये क्या होता है 1, इसलिए अब इसको लिखिए इज इक्वल टू, यहाँ तो ऐसे चलेगा। अब यहाँ प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लॉग एन इंटू एन क्या होता है लॉग एन प्लस लॉग एन, और लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है, बेस ए ही है आप इक्वेशन। ठीक, अब यहाँ से हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, उधर ले जाते हैं एक्स को भी, तो माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर, तो वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा जबरदस्ती, हाँ मैं यहाँ पे लाओगे तो एग्जाम में कुछ आएगा नहीं। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए थी ना मुझे, तो ये वाला पोर्शन इधर ले आते हैं, dy by dx वाले एक साथ कर लेते हैं, तो dy by dx माइनस 1 अपॉन y dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन x। यहाँ से क्या करता हूँ, dy by dx ले लेता हूँ कॉमन, क्या हो जाएगा एलसीएम ले लो x प्लस, यहाँ एलसीएम लोगे y माइनस y। बस इसको उठा करके उस साइड ले जाओ, मतलब y ऊपर ले जाओ और y माइनस नीचे ले जाओ। सर ये बस यहाँ नहीं समझ में आया, y ऊपर तो माइनस x कैसे आया, पता नहीं भाई, ये नहीं पता भाई, आप क्लास 12 में आ गए हैं।